हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मेरे एसेट के एक ऐसे फंड को रिव्यू करेंगे जिसने ओवरऑल 24% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों, अगर हमारे पैसे पर हमें 24% के रिटर्न्स मिलते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पैसा कितनी तेज़ी से ग्रो करेगा। मात्र 1500 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट हमें दोस्तों कितना जल्दी और कितनी आसानी से करोड़पति भी बना सकता है अगर आप कॉन्टिन्यू इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं। मान लीजिए आगे आने वाले टाइम में अगर ये स्टॉक हमें दोस्तों 20% के रिटर्न्स भी प्रोवाइड कराकर दे देता है और 1500 रुपये हर महीने का हम निवेश करते हैं, तो उस केस में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 24 साल के टाइम पीरियड में टोटल पैसा जो हमारा इन्वेस्ट होगा वो 4,32,000 रुपये का होगा, लेकिन जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे वो 1,01,63,000 रुपये के मिल चुके होंगे। और फाइनल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया और जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले उन दोनों को मिलाकर 1,05,95,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा। सो गाइस, इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप कितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं, कितने जल्दी शुरुआत करते हैं। ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आप शुरुआत ज़्यादा पैसे से करें। म्यूचुअल फंड के अंदर ये खूबसूरती होती है कि आप मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर मंथली बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इवन लमसम में भी अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके आप छोड़ सकते हैं या उससे ज़्यादा के अमाउंट का भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे 10,000, 50,000, 1,00,000, 10,00,000। तो दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के अंदर प्रोवाइडेड है। मेरे एसेट के इस फंड का नाम है मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये एक ऐसा फंड है जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 24% के रिटर्न्स दिए हैं और अभी जो हमने कैलकुलेशन की थी दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 20% के रिटर्न के हिसाब से की थी। अगर हम 5 साल के इसके रिटर्न की बात करें तो 18.20% के रिटर्न्स हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 22.68% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 26.41% के हैं और दोस्तों आगे आने वाले टाइम में भी ये हमें अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर देगा, इस बात की श्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसने दोस्तों अभी भी सबसे ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं इस रेंज की या इस कैटेगरी के और दूसरी जो कंपनीज़ हैं जो म्यूचुअल फंड रन करती हैं उनके कंपैरिजन में। सो गाइज, ये किन किन कंपनीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, जैसे ब्लू चिप इसके अंदर नाम मेंशन है तो ICICI बैंक के अंदर, इन्फोसिस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री, सन फार्मा, SKF इंडिया, तो ये वो दिग्गज कंपनीज हैं जिनके अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब बात आती है दोस्तों कि हम इसके अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप या तो खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप किसी एजेंट की हेल्प भी ले सकते हैं या फिर आप दोस्तों ऑनलाइन डायरेक्ट मेरे एसेट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे बिना किसी की हेल्प लिए, बिना किसी एजेंट की हेल्प लिए, तो फिर आपके फंड के ग्रोथ का टोटल लाभ सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलेगा। और अगर आप एजेंट के थ्रू करेंगे दोस्तों इन्वेस्टमेंट, तो फिर 1 से 1.5% आपके फंड की ग्रोथ का लाभ उस एजेंट को मिलता रहता है। उस चीज़ का हमें पता नहीं चलता, वो सारी दोस्तों इंटरनली चीज़ें होती हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट आप ग्रो के अंदर कर सकते हैं या फिर आप ज़ीरोधा के अंदर कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास में दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए और आपके पास में दोस्तों नेट बैंकिंग होनी चाहिए या फिर पासबुक की फर्स्ट कॉपी से भी काम हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम इस फंड के अंदर दोस्तों अलग अलग टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, आप 1 साल से लेकर कितने लंबे समय तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर 5 साल की हम बात करें तो मात्र 1500 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट और 20% रिटर्न के हिसाब से 5 साल में जो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो 90,000 रुपये का होगा, लेकिन 20% रिटर्न के हिसाब से दोस्तों 65,000 रुपये का हमें इस्टीमेटेड रिटर्न मिल चुका होगा और फाइनल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया 90,000 और जो हमें इस्टीमेटेड रिटर्न मिले उन दोनों को मिलाकर 1,55,000 रुपये का अमाउंट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें से सिर्फ और सिर्फ टैक्स का डिडक्शन होता है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है और उसके बाद में फाइनली अमाउंट हमारे अकाउंट में होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 साल में हमें सिर्फ 65,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर हम अगले 5 साल की बात करें तो अगले 5 साल में यानी 5 से 10 साल का जो टाइम पीरियड है अमाउंट हमने सेम इन्वेस्ट किया 90,000 रुपये, लेकिन उस केस में 3,93,000 रुपये का हमें बेनिफिट हुआ।
तो 3 लाख ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए का हमें बेनिफिट हुआ है। तो इसी तरह से अगर हम अगले 5 साल की बात करें तो उसमें आप देखेंगे दोस्तों कि अब आपको टोटल जो प्रॉफिट होगा या एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो आपको मिलेंगे 20% रिटर्न के हिसाब से, वो 14 लाख रुपए के होंगे। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है दोस्तों, वैसे वैसे आपका पैसा कंपाउंड होता चला जाता है, और यही 1500 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपको मात्र 24 साल के टाइम पीरियड में 1 करोड़ रुपये का बड़ा फंड भी इकट्ठा करने में हेल्प करेगा। सो गाइज, आज से ही किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप SIP शुरू करें, लेकिन आपको SIP एक जरूर शुरू करनी है, और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको SIP शुरू करनी है। हालांकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल के लिए चला रहे हैं, 2 साल के लिए चला रहे हैं, या 10 साल के लिए चला रहे हैं। धन्यवाद।